गाइस, क्या आप भी जो कि इस तरीके के कस्टमाइज सब्सक्राइब बटन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में जो भी आपके पास वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, वो जो कि कान मास्टर हो सकता है या VN वीडियो एडिटर हो सकता है या कोई भी है जो कि आपके पास वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो कि आप आसानी से जो कि कुछ इस तरीके के जो कि कस्टम सब्सक्राइब बटन है जो कि क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, इसके अलावा आपके लिए जो कि हम कुछ ऐसे कस्टमाइज है जो कि आपके लिए सब्सक्राइब बटन जो कि हम अवेलेबल करा देंगे, उसको जो कि आप अपने जरूरत के हिसाब से जो कि उसमें जो कि चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। गाइस, यहां पे आने के बाद अपना VN वीडियो एडिटर जो है वो जो कि आपको ओपन कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, VN वीडियो एडिटर, और ये आ जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का रहता है, सिंपल इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा और यहाँ पे जितना भी आपका वीडियो और इमेज रहेगा वो सब जो कि आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये जो कि वीडियो का सेक्शन है और इसके जस्ट बगल में जो कि यहाँ पे इमेज का सेक्शन है, ठीक है। कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी एक ले लेते हैं, वीडियो जो कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। ये जो कि VN वीडियो एडिटर का जो कि इंटरफेस कुछ इस तरीके का, ऊपर ऑर्गेनाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। 16:9 का रेशियो जो कि सिलेक्ट करेंगे जो कि YouTube के लिए सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो कि एक वीडियो को ऐड करेंगे, उसके लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग सब्सक्राइब बटन है, इसमें से जो बेस्ट लगता है वो जो कि आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा है तो यहाँ से सिंपल आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ पे ले जाकर के आपको डिलीट कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे हम सभी को जो कि फिलहाल सिलेक्ट करते हैं, इसे यहाँ से प्ले करके इस तरीके से देख सकते हैं कौन सा बेस्ट है। तो ये नहीं है, इसे यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये वाला हमें अच्छा लग रहा है तो इसी पे जो कि हम लोग एडिटिंग करेंगे। अब यहाँ पर दो काम करना, फर्स्ट यहाँ पे जो कि आपका जो इमेज आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं यानी प्रोफाइल पिक, वो जो कि आपको ले आना, वो लोगो हो सकता है या आपका इमेज हो सकता है। तो इमेज वाले जो लेयर है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर आ चुका है, अब यहाँ पे हम लोग स्क्रोल करेंगे और इधर आ जाएंगे, यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो कि रेडियल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, हम लोग अपने हिसाब से सेट करेंगे। ये जो कि परफेक्ट सेट हो गया, ठीक है। अब इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे रिसाइज कर लेंगे कि यहाँ पे ये परफेक्ट इसके सेंटर में आ जाए। तो ये जो कि अपना परफेक्ट बैठ चुका है। इस इमेज को यहाँ से स्क्रोल करेंगे, इसे यहाँ से यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आते हैं, इमेज का जो ड्यूरेशन है ये भी यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज परफेक्ट हो गया। अब इसमें जो कि एनिमेशन ऐड करना होगा, प्रोफाइल पिक्चर पर जो कि सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कि एक मोशन का एक ऑप्शन आता है, उसके जस्ट बगल में जो की फ्रेम है उसके जस्ट बगल में जो कि रिप्लेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मोशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग आपको स्लाइड देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीका के, जो नीचे से जो आ रहा है उसके साथ है जो कि ये कुछ इस तरीका से सेट हो जाएगा। हम लोग का एनिमेशन जो कि ऐड हो चुका, 1 सेकंड का है। अब यहाँ पर जो कि अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ से जो कि हम लोग इसे प्ले करते हैं इस तरीका से, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद फिर से जो कि मोशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग आउट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ से जो कि ये फिर से प्ले करके देखते हैं, ओके तो काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे चैनल का जो कि नेम ऐड करना होगा यानी कि टेक्स्ट ऐड करना होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिलहाल जो बोल्ड टेक्स्ट हो वहीं जो कि ऐड करेंगे बाई जेड, और ये टेक्स्ट को यहाँ पे स्क्रॉल करके ले आएंगे और इसका जो कि यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कि इसका कलर चेंज कर देंगे, कुछ इस तरीके से ब्लैक कर सकते हैं। अगर एक लाइन में रहेगा तो काफ़ी छोटा हो जाएगा अपना नेम, ग्राफिक्स के बाद इस तरीका से कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट को यहाँ से रखेंगे और इसे लास्ट तक ले चलेंगे, ठीक है, जितना में इमेज है। इसमें भी है जो कि हम लोग को मोशन है जो कि ऐड करना होगा, सेम वैसे ही है जो कि यहाँ पे मोशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो कि ये एकदम परफेक्ट जा रहा है, ऐसे जो कि यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे जो किसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर से जो कि मोशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आउट एनिमेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद ये वाले ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट कर ले, इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से प्ले करेंगे
परफेक्ट है। तो ये जो कि रेडी हो चुका है, अब इसे अगर एक्सपोर्ट करना है उसके लिए सिंपल आपको ऊपर में जो कि देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने हिसाब से जो कि आपको इसे सेट कर लेना है और इसे यहाँ से जो कि एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा गाइस, ये जो कि देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसे प्ले करके दिखाते हैं आप। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर किसी भी तरीका का अगर वीडियो में आपको यूज करना है तो वो कैसे होता है। उसके लिए फिर से जो कि हम लोग VN वीडियो एडिटर में आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो कि ऊपर में देख सकते हैं एक इमेज का जो कि ऑप्शन आ रहा होगा, लेयर आ रहा होगा, इस पे जो कि प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेकर के चलाएंगे और इसे जो कि आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कि अब हम लोग को ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना, उसके लिए हम लोग क्रोमा की का इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पे क्रोमा का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डन हो चुका है। और यहाँ पे अब इसे हम प्ले करते हैं इसे, ठीक है। ये जितना बड़ा यहाँ पे लगाया गया है इस कारण से। आई होप ये वीडियो देखने के बाद जो कि आप अपना खुद का जो कि कस्टम सब्सक्राइब बटन है जो कि क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और अपने वीडियो में जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीका से जो कि आप सब्सक्राइब बटन है जो कि क्रिएट किए, वैसे ही है जो कि आप अपना सोशल मीडिया के लिए भी है जो कि टेक्स्ट लगा करके जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीका के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आते रहता है।